अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम कुछ चीज़ें अपनी वीडियो के एडिटिंग के लिए ना कुछ चीज़ें हम लेके आए हैं जिनकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और हम आपको भी दिखाते हैं। माशाल्लाह इसमें काफ़ी चीज़ें हमने ऐड की हैं कि जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है व्लॉगिंग के लिए। ये देखेंगे, सबसे पहले हमने एक बैग मंगाया है कैमरे के लिए, कैमरा और दूसरी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें रखने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। छोटा बैग है, कैरी करने के लिए भी बहुत इजी है। और अभी इसकी अनबॉक्सिंग हम करते हैं। ये देखिए ब्यूटीफुल ज़बरदस्त बैग है। और हम ये देखें साइड से, बैक साइड से, ये इसमें एक ऑप्शन है, इसमें लॉक भी लगा हुआ है, आप इजीली लॉक भी लगा सकते हैं। जैसे ट्रैवलिंग के लिए आप बहुत इजी है, पासपोर्ट वगैरह रखने के लिए, कैमरा, छोटे मोटे मोबाइल वगैरह सारे आपके इस बैग में आ सकते हैं, छोटे से बैग में। चलिए जी हम आपको इसे अंदर से दिखाते हैं। ये देखिए जी इसमें स्पेस बहुत ही ज़बरदस्त है, अंदर आप अपना कैमरा रख सकते हैं, काफ़ी स्पेस है। मोबाइल के लिए पॉकेट्स बनी हुई हैं, दो तीन है, काफ़ी मज़बूत है, हम यही कहेंगे। अच्छी क्वालिटी है इसकी, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बैग है। अच्छा, हमने कुछ कुछ ऑनलाइन चीज़ें परचेज़ की थी, पाँच छः आइटम थी जिसमें से एक मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो ये आइटम देखते हैं कि इसमें क्या है, ओपन करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। देखिए ये लगता है, पहले हम खुद देखते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या है। खुल जा सिंचिंग। अच्छा जी ये देखिए जी, ये हमने एक स्टैंड मंगाया है कैमरे के लिए जो कि हम अपनी गाड़ी पे लगाएंगे ट्रैवलिंग के, जब करते हैं कुछ व्यू हमें गाड़ी से लेने पड़ते हैं, ये उसके लिए है। इसके ऊपर ये कैमरा आप इजीली कैरी कर सकते हैं, ये जो फिक्स करके इसके ऊपर आप कैमरे को अपने होल्ड करें और ये आप किसी जगह पे भी गाड़ी पे लगा सकते हैं। ये छोटा सा स्टैंड है, चलें ये भी अच्छा है, क्वालिटी अच्छी लग रही है मुझे इसकी। हाँ क्वालिटी माशाल्लाह ठीक है, ज़बरदस्त। ये आइटम नंबर 3, ये मुझे लगता है एक मैंने स्टैंड मंगाया था, इसके वेट के हिसाब से मुझे वही लग रहा है। चले फिर भी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या है। अच्छा ये सेट ही रखते हैं। अच्छा ये देखिए, हाँ ये वही स्टैंड है जो मैंने आइडिया लगाया था, यूज किया था। ये देखिए ये छोटा सा एक स्टैंड है, आप किसी चीज़ पर भी होल्ड कर सकते हैं। ये इसकी, इसे कहते हैं वाइस। ये जैसे इधर ये टेबल है ना, इधर रख के हल्का सा टाइट कर लें, ठीक है, ये टेबल पे लगाने के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा ये दूसरा, सेम ये स्टैंड है, ये देखिए किधर गया, इधर से थोड़ा सा लूज़ करते हैं। अच्छा ये देखें, ये बेसिकली हमने लिया है गाड़ी के अंदर, ये भी लगाने के लिए, गाड़ी पे भी यूज़ कर सकते हैं हम, नॉर्मल अपने टेबल के ऊपर भी लगा सकते हैं। अभी हम लगा के दिखाते हैं आपको। अच्छा ये देखें जी, ये इसे वाइस कहते हैं, इसके साथ ये बेसिकली टेबल के साथ अटैच हो जाएगी और इधर ये इसे आप इसे थ्रेड करके टाइट करें इधर से। और ये देखें ये आपका स्टैंड ऐसे बनेगा, हम इधर लगाते हैं रोल करके और ये ऐसे स्टैंड है, मूवमेंट है बेसिकली ये इस साइड पे जाने के लिए। ये देखें इधर होल्ड करते हैं और ये इसके ऊपर आप ये इसकी काफ़ी फिटिंग है, इधर से ऊपर मूव करें इसके ऊपर, ये डायरेक्ट इसके ऊपर आप कैमरे के ऊपर, डिजिटल कैमरे के ऊपर जगह बनी होती है, ये जो फ्लैट है ना उसके अंदर आ जाती है और कैमरा आपका इसके साथ भी डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं। बट इसके साथ इन्होंने ये भी दिया हुआ है क्लंप कि अगर
इसके ऊपर डायरेक्टर रख के कैमरा भी अटैच कर सकते हैं और ये पोर्ट्रेट भी होता है इधर से ऐसे। ये देखें ये 360 रोटेट है, ठीक है, स्टैंड अच्छा है। ये बहुत ज़रूरी है व्लॉगिंग के लिए, कोई हमने जैसे अनबॉक्सिंग करनी है उसके लिए कैमरा फिक्स करके खुद ही तो ऑटोमेटिकली कैमरा को सेट कर दें और आप उसको से वीडियो बना सकते हैं। ये हमारी है एटम नंबर 4। ये बेसिकली मुझे लग रहा है कि हमने कैमरे के लिए ना, कैमरे की स्क्रीन को सिक्योर रखने के लिए उसका ग्लास प्रोटेक्टर मंगाया। हाँ ये वही है, माशाल्लाह ज़बरदस्त यार, पैकिंग अच्छी इनकी। ये बुक बनी हुई है, ये देखें, चले हम इसे, ये देखें इन्होंने एरर दिए हुए हैं, इधर से आप ओपन करें, 1 ये 2 ये 3, माशाल्लाह ज़बरदस्त यार, इनकी पैकिंग बहुत अच्छी है, सेफ़ है। ये इसके वो कह लो कि ग्लास को साफ़ करने के लिए कपड़ा दिया हुआ है। अच्छा ये 3 थे स्क्रीन, यस 1 2, ये 3 ग्लास प्रोटेक्टर है। चलिए एक और खोल, ये देखें जी, ये मेरे पास कैमरा है सोनी ZV-E10, उसका ग्लास स्क्रीन का जो उसकी स्क्रीन है उस पर ग्लास, उसका ग्लास प्रोटेक्टर है। चलिए ये भी अच्छी चीज़ है। ये मैंने बेसिकली चेक कर रहा था ऑनलाइन, तो मुझे इधर से सऊदी अरब जद्दा से नहीं मिले थे, तो फिर मैंने ऑनलाइन अली एक्सप्रेस से इसे परचेज़ किया है। ये है माशाल्लाह एटम नंबर 4 हम दिखा चुके हैं, चले हम 5 जो है ना ये है, हम इसे भी अनबॉक्स करते हैं। ये मुझे लग रहा है कि हमारे जो ZV-E10 का बॉक्स है ना वो हमने मंगवाया है, बट हमने जब कैमरा परचेज किया था उसके साथ हमें नहीं मिला था। हाँ ये वही बॉक्स है, ज़बरदस्त, इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। जी हाँ ये वही बॉक्स है जिसमें कैमरा आएगा। कैमरा तो हमने ले लिया बट हमें उन्होंने बॉक्स नहीं दिया, तो ये इसमें, ये देखें ये पॉकेट बनी हुई है, इसमें कैमरा आएगा, इस बॉक्स में इधर माइक आएगा और इधर वो ट्राइपॉड है इसका वो आएगा, ठीक है। ये देखें ज़बरदस्त बैग, काफ़ी मज़बूत है कि आप इजीली कैरी कर सकते हैं, कि इजीली गिर भी जाए ना तो इससे कुछ नहीं है, मज़बूत है। ये देखें, ये मज़बूत बैग है, ज़बरदस्त यार, बहुत स्ट्रॉन्ग बैग, माशाल्लाह बैग अच्छा है, इसका मटेरियल भी अच्छा है, साफ़ सुथरा बैग है, ज़बरदस्त क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इसकी, माशाल्लाह। अच्छा एक आइटम अभी हमारी नहीं आई, इंशाल्लाह वो जैसे आएगी वो भी हम उसके हम दिखाएंगे आपको बाद में, उसके अनबॉक्सिंग हम अलग से कर देंगे, ठीक है। तो ये 5 आइटमें थी जिसकी हमने आपको अनबॉक्सिंग कर दी है। चलिए जी, अपनी दुआओं में याद रखें, और जो ख़ास तौर पर जो मेरी वीडियो को देखने वाले न्यू लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और लाइक भी किया करें। आपके लाइक से जो मेरा चैनल है उसे काफ़ी सपोर्ट मिलती है, मेरी वीडियो आगे देखी जाती है, तो प्लीज़ यार लाइक किया करो मेरी वीडियो को। चले जी, अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।